धरा नहीं है भाव से बहती जिसमें आधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। जब भी कभी शहादत होती है तो खास करके गाजीपुर ज़िले के जितने भी वीर जवान हैं कहीं न कहीं भारत माँ की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। जबकि गाजीपुर की बात करें, ये वीरों की धरती, शहीदी धरती है, और शहीदी धरती होने के साथ साथ हर लोग, हर युवा यहाँ का सोचता है कि मुझे भारत की सेवा करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाएं और अपने आप को हम कुर्बान कर जाएं। जब भी वहाँ की लाश, वहाँ की पार्थिव शरीर आती है तो धूम हो जाती है, युवाओं में इतना जोश भर जाता है कि कम से कम उसका अंतिम दर्शन कर सके। फिलहाल हम गाजीपुर के मंझरिया में हैं, देवकली ब्लॉक है और सैदपुर तहसील है, जहाँ आप देख रहे हैं पूरा परिवार आज गमगीन माहौल है। गमगीन माहौल होने के साथ साथ किसी के चेहरे पर तो ये होगा कि हमारे देश का जवान, हमारा बेटा भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गया, तो किसी के आँखों में वो आंसू होंगे कि एक परिवार बिछड़ जाएगा। जबकि यहाँ के बारे में बात करें तो जिनका नाम था पंकज यादव, अपने परिवार में तीन भाइयों में से एक थे। शादी हो गई थी, दो बच्चे थे और दोनों बच्चों का पालन पोषण बड़े अच्छी तरह से करते थे। बताया जाता है कि असम इनकी ड्यूटी थी और ड्यूटी के दौरान भी कुछ हादसा होता है और अपने आप को कुर्बान कर जाते हैं। जब भी देश की बात की जाती है, देश में हर युवा हर जगह कहीं न कहीं अपने देश की सेवा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है और यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग चल कर आए हैं। कम से कम देश के लिए जो प्राणों की आहुति दे गया है, कम से कम उनका दर्शन पा सके, अंतिम दर्शन पा सके। यहाँ पे लोग हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति होती है जब हमारे देश का जवान अपने प्राणों की आहुति दे जाता है। कहीं कहीं लोगों में गर्व की बात, अनुभूति तो होती है, साथ साथ एक परिवार का बिछड़ने का दुख भी होता है। लोगों से स्वागत, क्या नाम है चाचा? रवि प्रकाश श्रीवास्तव। कब पता चला आपको यहाँ के बारे में? कल शाम को ही पता लगा। शाम को ही पता चल गया। क्या सूचना मिली कि क्या स्थिति हो गई? अब उनके निधन की सूचना मिली। एक बात बता दें आपको, ये देश है वीर जवानों का और गाजीपुर की बात करें तो वीरों की धरती, शहीदी धरती कही जाती है। कहीं ना कहीं गाजीपुर की जब भी बात की जाती है तो वीरों का अक्सर नाम लिया जाता है। आपके परम वीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद भी इसमें से एक रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं एक तरफ दुख होगा, अपूर्णीय क्षति हुई है, समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। बताया जाता है कि अपने भाइयों में, तीन भाइयों में से सबसे बड़े थे। हाँ, समझदार भी थे, परिवार को लेकर चलने की क्षमता थी, अच्छी खासी गाइडेंस था परिवार पर। आपके इसी ब्लॉक से, इसी देवकली ब्लॉक से एक वीर अभी कुछ दिनों पहले चला गया था, सॉरी, और फिर इसके बाद कुछ दिन बाद शहादत हुई। क्या गर्व की अनुभूति होती है साथ साथ पूरी क्षति? देखिये, सेना के जवान है, सेना में रहते हुए अपने जो है कार्य सेवा देते हुए शहीद हो गए तो गर्व की बात तो है ही है। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें आधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। तो दिक्कत है। ये कविता बहुत मशहूर हुई थी, जब भी देश की बात की जाती है, इसे बात करते हैं, पता कब चला था? बाबू जी थोड़ा सा इस साइड हो जाइए। जी क्या नाम हुआ आपका? बैठ रही। क्या नाम हुआ आप? चंद्रदेव। आपके तीन बेटे थे, तीन बेटों में कौन कौन थे लोग? पंकज, नीरज, अम्बुई। अच्छा, ये पंकज सबसे बड़े थे? सबसे बड़े। पंकज जी सबसे, कब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, कहाँ ड्यूटी लगी थी इनकी? इनकी इस समय तो आसाम में रहना, आसाम से तेरे कलकत्ता में भर्ती रहना। अच्छा, कब ज्वाइनिंग हुई थी, कब, कितने साल पहले? भर्ती पहले 2010 में। 2010 में भर्ती हुए थे, आज 23 का साल चल रहा है, लगभग 13 साल हो। बाल बच्चे भी थे इनके? हाँ, दो बच्चे थे। अच्छा, ये बड़े हैं सबसे? नहीं, छोटे, सबसे छोटे थे, बड़ा है। तो क्या सूचना मिली वहाँ पे जब बॉर्डर पे, क्या फोन आया, तो क्या उससे पहले कब बात हुई थी पहले आप? हमसे तो बात मतलब 10-15 दिन पहले हुई थी।
तो उसके बाद क्या निरंतर अभी बातचीत हुई थी क्या, तबीयत तो अगर खराब चल रहा था? बहन मैं ना मेरे जो है ना, तो कभी अभी सूचना क्या मिली कब तक पार्थिव शरीर यहाँ पे आ जाएगा? आवत थे तीनों बेटे, क्या क्या करते थे? तीनों आर्मी में, नेवी में, पुलिस। अच्छा, सरकार से अगर डिमांड की बात करें, सरकार अगर कुछ कर सके तो क्या कर सकती है सरकार? क्या कर सकती है सरकार? कुछ तो विचार हुए कि देश की सेवा करते करते एक शहीद हो गए का? चाचा क्या क्या मिलना चाहिए सरकार से? वो तो लड़के को नौकरी मिलना चाहिए, बच्चे अगर उद्योग हों जब तो उनको मिलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं हर जगह हम हर समय देश के युवाओं की बात की जाती है, प्रदेश के युवाओं की बात की जाती है। तो हम भी चाहेंगे जिस तरह से लगातार हमारे देश की सेवा करने के लिए जितने भी वीर जवान जितने भी जवान आगे आते हैं, जब कोई शहादत होती है तो सबसे पहला दर्जा मिलता है शहीद का, और उसी तरह जो भी चीज़ें मिलती चाहिए सरकार से, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि अभी दो छोटे बच्चे हैं, एक पत्नी, किसके सहारे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम मौजूद थे मंझरिया में, ये देवकली ब्लॉक है, सैदपुर तहसील है, जिला गाजीपुर। पहले से भी बता चुका हूँ कि वीरों की धरती शहीदी धरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोगों को इतनी प्यार है इस